हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियो में हमने आपसे कहा था कि हम आपको दो कहानियां बताएंगे इंडियन मोस्ट हॉन्टेड के बारे में। एक हम आपको बता चुके हैं भानगढ़ के बारे में। अब हम दूसरी कहानी बताने जा रहे हैं आपको कुलधरा के बारे में। ये भी इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है एंड यहाँ पे ये एक ऐसा गाँव है जहाँ पे कोई रह ही नहीं सकता। हॉन्टेड से तो समझ आ रहा है कि नहीं रह सकता। ये इतने सालों से वीरान पड़ा हुआ ये गाँव कि यहाँ भी शाम के टाइम, शाम होते ही कोई नहीं रह सकता। इसको एक मूवी देखी होगी आपने, कालो। इस गांव को उस मूवी में दर्शाया गया है, एक छोटी सी एक उसकी झलक के तहत समझ लीजिए आप उसको। हैं? ये गांव 170 साल से वीरान पड़ा हुआ है। कालो मूवी में एक डैम के बारे में बताया गया है, इस मूवी के बारे में। अच्छा। और इस गांव की भी मान्यता है कि ये गांव एक रात के अंदर पूरा खाली हो गया था। पूरा एक रात के अंदर? हाँ, पूरा एक रात के अंदर। और सबसे मजेदार बात यह है, जो भानगढ़ के अंदर हुआ था सेम इसी गांव के अंदर भी हुआ था। मतलब सेम तांत्रिक वाला सीन? नहीं नहीं, तांत्रिक वाला नहीं था इसमें। इसमें भी सेम था, वन साइड लव। अच्छा। हाँ, इसका एक दीवान था। पहली बात तो ये कुलधरा गांव एक गांव नहीं है, ये 84 गांव थे। अच्छा। हाँ, जिसके अंदर पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। हाँ, इनके बारे में सुना तो है मैंने, पालीवाल ब्राह्मणों का कुछ हुआ था इसी कुलधरा में था। हाँ, कुलधरा गांव हो गया, खंबा गांव हो गया, और भी 82 गांव है। अच्छा। हाँ, ये 84 गांव थे उस टाइम। तो मैंने ये भी सुना कि कई सारे गांव इकट्ठे मिलके ही उनका सब कुछ चलता था, क्योंकि राजा वगैरह का राज रहता था। हाँ, तो गांव का काफी मिल मिला के चलता था उस टाइम, उसमें एकता थी। हाँ हाँ, आज के टाइम पे गांव तो अलग अलग से हो गए। हाँ, और उस टाइम एक राजा था, राजा वो दीवान था, सालम सिंह। अच्छा। उस दीवान का नाम, दीवान काफी अय्याश टाइप का था। अच्छा। उस गांव 84 गांव पे एक मुखिया होता था। उस मुखिया की एक लड़की थी। हाँ, उसके ऊपर उसकी नजर पड़ी, मतलब जा रहा हुआ कहीं शिकार करने के लिए, तो देख लिया। अब दीवान के दिल में प्यार की उमंग पैदा हुई। अब भाई, फर्स्ट टाइम लव ऐसा ही होता है, तो उन्होंने उसके लिए उस टाइम पे कर रखा जाता था। कर। हाँ, जैसे कि आज की डेट में रखा जाता है ना, कि हम ब्याज में पैसे देते हैं, कर्ज टाइप का समझ लो। कहने और किसी के अपने अपने लैंग्वेज होते हैं। उस टाइम पे कर रखा जाता था। अच्छा। तो उन्होंने सोचा कि ये इस कर के जरिए ये मेरी बात मान लेंगे, पालीवाल ब्राह्मण मेरी बात मान लेंगे। अब पालीवाल जो ब्राह्मण थे, वो पीछे से मतलब काफी ठीक ठाक बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, कि पैसा ठीक ठाक था, ज्ञान भी था, तो वो समझ चुके थे। उस टाइम तो खेती बाड़ी वगैरह भी अच्छी चलती थी लोगों की। हाँ, काफी अच्छी चलती थी। अब वो समझ चुके थे कि दीवान चाहता गया है। अच्छा। तो उन्होंने उसका जो कर था वो सब भर दिया। फाइनली जब दीवान के हाथ से बात निकलती दिखाई दी, तो उन्होंने उन्हें खुलेआम धमकी दे दी कि भाई, अगली पूर्णिमा से तक का टाइम देता हूँ मैं आपको, या तो ये आप अपनी लड़की मुझे दे दो, या तो फिर हमने के तैयार हो जाओ, मैं 84 गांव पूरे नष्ट कर दूंगा भाई साहब। 84 गांव। हाँ। अब आज की डेट में कोई और होता तो शायद घुटने टेक देता। हाँ। उनके सामने, लेकिन वो टाइम अलग था, तो एकता का टाइम था भाई, वो एकता का टाइम था। तो उन सबके जो मुखिया थे, उन्होंने बैठक बुलाई एक मंदिर के अंदर। उसके अंदर जो 84 गांव के मुखिया थे, उनका जो मेन मुखिया था वो अलग था, जो 84 गांव के कर्ता रहता थे वो अलग थे। ठीक है। तो उन सब ने बैठक बुलाई। तो भाई होता है यार कि पांच उंगली बराबर नहीं होती। उनमें से किसी ने बोला, भाई इस लड़की वैसे हम क्यों और सफर करें, इसको भेज देते हैं। ये तो शुरू से रहा है कि उसके चक्कर में हम क्यों सफर करें। ये तो आज के टाइम पे तो मतलब पुराने टाइम से चलता आ रहा है, कोई किसी के हित में जल्दी से खड़ा होता नहीं है। हाँ, लेकिन जो बाकी के बंदे थे वो समझदार थे, उन्होंने बोला, भाई इस लड़की का सम्मान हमारा सम्मान है। ये तो अब है भाई। बात आ चुकी है हमारे गाँव के बारे में, उसमें हम 84 गाँव को युद्ध के लिए लड़का रहा है। अच्छा। हम युद्ध नहीं कर सकते, हम ब्राह्मण ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो युद्ध नहीं करते। तो उन्होंने बोला कि हम इस गांव को पूर्णमासी से एक दिन पहले खाली कर देंगे। खाली कर देंगे। तो पूर्णमासी को आने में 3 दिन बाकी थे, मतलब राजा को बिना बताए चुपचाप गांव खाली करके चले जाएंगे। हाँ, तो पूर्णमासी को आने में 3 दिन का टाइम बचा था। अच्छा। तो उन्होंने प्लान बनाया कि अगले दिन इस पूरे गाँव को खाली कर देंगे, 84 गाँव को।
बताओ यार, मतलब आसान नहीं होता यार किसी के लिए, मतलब ऐसा जुल्म सहना जिसमें अपना ही घर छोड़ के जाना पड़ जाए, तो फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि मतलब कपड़े कहीं सूख रहे हैं, दरवाजा खुला पड़ा है, कुछ ऐसा भी है, मतलब ऐसे ही छोड़ चले गए। जो जरूरी मेन सामान था, कपड़े हो गए, बच्चों का खाना पीना हो गया, उनको लेके चले गए अदर शहर में। ये तो वैसे वाली बात हो गई जैसे इंडिया इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा जब हुआ कि भाई अब अपनी जान बचाओ। और उनके पास टाइम भी कम था ना, अगर वो कह रहे थे कि पुनर्वास वाले दिन ही चलेंगे तो शायद हो सकता था कि उनमें से कोई जाके दीवान को बता दे कि भाई ऐसे ऐसे प्लानिंग है। भाई विद्रोही तो बहुत निकलते हैं ऐसे में। बिल्कुल, इसलिए उन्होंने तुरंत उस गाँव को खाली कर दिया, 84 गाँव। और जाते टाइम उन्होंने उसे श्राप दिया कि ये 84 गाँव कभी नहीं बसेंगे, कभी नहीं बसेंगे। हाँ, और इसमें मजे की बात यह है उसमें से 82 गांव बस चुके हैं, लेकिन 2 गांव ऐसे भी हैं जो आज तक नहीं बस पाए। वो मतलब दोबारा कुछ हुआ ही नहीं उनमें। हाँ, उनकी एक भी मतलब कहते हैं ना वो एक भी ईंट को हाथ नहीं लगाया गया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उनके साथ। उसका नाम है, उसका नाम है कुलधरा और खांबा। और इन दोनों को के बारे में कालो मुहे बताया गया है। कालो में तो जैसे बोलते चुड़ैल दिखाई गई है ना। हाँ, वो चुड़ैल अपना अमर होना चाहती थी। अच्छा, वो तो मतलब अपनी तरफ से बना दिया कहानी, वो एक मूवी थी। हाँ, वो एक मूवी थी, लेकिन ये सत्य है। सत्य कहानी है, कहानी है, मतलब जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी आती जाए आती गई है उसी हिसाब से चलता हुआ है। वो एक ऐसी संस्था है जो भूत पकड़ती है। वो नहीं, देखो जो मैंने उसके बारे में सुना है वो भूत पकड़ती है, वो सर्च करती है कि भूत है यहाँ पे नहीं है, एक वही बात हो जाती है। पकड़ना तो देखो भूत पकड़ने का तो मैं यही कहूंगा कि छलावा को कोई पकड़ नहीं सकता, बट हाँ ये कहते हैं पता करती है। लेकिन जब वो संस्था वहां पर गई थी ना, उनके साथ कुछ ऐसा घटा था। अच्छा, उन्होंने भी स्वीकार कर लिया था कि इस गांव में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, स्ट्रांग वो वाइब्स आई होंगी, नेगेटिव वाइब्स वगैरह। उन्होंने अपनी गाड़ियां पार्क करी उनके घर के सामने, वो गए आगे जाके अपने इलेक्ट्रॉनिक यंत्र के साथ। राजस्थान, ये जो राजस्थान की तो कहानी है ना ये भी एक। हाँ, अलवर शहर के पास, वो जैसलमेर शहर के पास। जैसलमेर शहर मैंने सुनी थी, वहां पे मेरे को याद नहीं है कि लोगों की गाड़ी जो है वहां पे जाते है लोग आप जैसे जाओगे तो उसमें औरतों के चूड़ियों की आवाज आती है, आदमियों के हंसने की आवाज आती है, मतलब वो फील कराते हैं कि हम आज भी यहीं पे ही हैं। लेकिन उसमें से दो जगह ऐसी भी है जो पॉजिटिव एनर्जी के साथ है। एहसास होता है। और एक है वहाँ की बावरी, जहाँ से वो पानी भरते थे। हाँ जी, ये हमारी कुलधरा की कहानी है। तो दोस्तों, ये हमारी दूसरी कहानी खत्म हुई राजस्थान की, इंडिया मोस्ट हॉन्टेड प्लेस की। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमें लाइक कमेंट शेयर करके बताएं कि कैसी आपको कहानी लगी, और ऐसी और स्टोरीज को जानना है और या फिर आपको कोई स्टोरीज पता तो हमें बताइए, हम यहाँ पे आपके साथ शेयर करेंगे और दुनिया के साथ शेयर करेंगे कि और कौन कौन सी अनटोल्ड स्टोरीज हैं जो आपको पता नहीं है। थैंक यू दोस्तों, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।